लोगों को अपने हमारे देश के आयुर्वेद के हिसाब से ब्रिक्स को आगे प्रोत्साहित करें कि ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए। हमारी बहुत उम्मीद है कि ये जो ट्रिप होएगा ब्रिक्स का स्पेशली, इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की रिलेशनशिप्स और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, विच आर रियली प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी फास्ट। आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। इस आयुर्वेदा बिजनेस में हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि मोदी जी जब आए तो हमारे लोगों को अपने हमारे देश के आयुर्वेद के हिसाब से ब्रिक्स को आगे प्रोत्साहित करें कि ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे वहाँ से कुछ ऐसे भी लोग लाए जाएं, लिटरेट लोग, जो यहाँ पे आके लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकें आयुर्वेदा को लेके, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी, इतनी तरह की बीमारियां हैं रूरल एरियाज में, तो मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान से कुछ लिटरेट ऐसे लोग आएं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हों आयुर्वेदा का, और इन लोगों को समझाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो मैं चाहूंगी हमारे पीएम श्री मोदी जी इस पे कुछ अपना प्रकाश यहाँ पे अपना डालें। हमारी बहुत उम्मीद है कि ये जो ट्रिप होएगा ब्रिक्स का स्पेशली, इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की रिलेशनशिप्स और बढ़ जाएगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है इस कंट्री में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जास्ती है, एंड आवर विशेज आर दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड एंगेज द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक रिलायंस, टाटा ग्रुप्स, टू कम टू अफ्रीका एंड एम्प्लॉय लोकल अफ्रीकन्स इन बिग नंबर्स, सो दैट देर इज द अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज एंड इंडियन कंपनीज ग्रो अप इन बिग वे। बिकॉज इधर लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लैंड है इन मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, जिधर के फार्मिंग भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज भी लग सकती है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, जो इंडियन कंपनीज को शॉर्टेज उधर है इधर मिल सकती है उनको। जैसे यहाँ पे आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, विच आर रियली प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी फास्ट। आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। एंड जैसे मेरे कुलीग ने अभी पहले बोला था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, तो आई थिंक विद इंडियन कंपनीज कमिंग हेयर उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दे कैन प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, एंड यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो जो सबसे बड़ी वरी हमारी साउथ अफ्रीका में रहती है वो क्राइम की है, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट। कल शायद अब हमारे को मौका भी मिलेगा उनसे मिलने का, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। आप लोग यहाँ पर रोड के ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट बैनर्स, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, तो एक्साइटमेंट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड वी आर ग्लैड ही इज़ कमिंग हियर।